वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैम आई एम सना, आई एम बिग फैन। मैम ओके ओके बेटा, एक सेकंड। मैम मैं बड़ी मुश्किल से मुझे उन्होंने अंदर एंटर होने दिया। मैं लाइव जा रहे हैं, बड़ी फैन हूं। ओके बेटा लाइव जा रहे हैं। बेटा क्या मैम, एक प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। असद मैं 20 चक्कर लगा चुकी हूं, मुझे यहां पे कोई आने नहीं दे रहा। मैम आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूं। अच्छा लाइव जा रहे हैं बेटा, लाइव जा रहे हैं। मैं आपसे बात, मैं नहीं जा रहा। मैम प्लीज आप रुक सकती हैं? मैं नहीं जा रहा। अली ऐसे नकाब में तो होस्टिंग करोगी तुम, या चेहरा दिखाना है? चेहरा मैम मैं नहीं ना दिखा सकती। क्यों? मैं मैम चेहरा नहीं दिखा सकती। अरे मेरे घर वालों ने मुझे इजाजत नहीं दी। क्यों? वो कहते हैं आप लाइव नहीं आ सकती। अच्छा चलो मुझे दिखाओ, इधर मैं इधर देख, कैमरे पे ना दिखाओ, मुझे दिखाओ। चल खड़ी हो, आ जाओ। अच्छा मैं कैमरे में दिखाई नहीं थी, मुझे दिखाओ। वो खैरत शर्म मैं तू मर्द, आई एम सॉरी मैम, मर्द निकला इधर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैम, मैं रियली में बहुत बड़ा फैन हूं मैम। सॉरी मैम, सॉरी। तू लड़की बन के आया था? मैम सॉरी, ओह माय गॉड, बन के आया था तू? ओए अल्लाह है बगैरत। मैम आई एम सॉरी मैम, शर्म नहीं है तुझे? ओए अल्लाह है तू, मर्द तू। मैम आई एम सॉरी मैम। ठीक है, इतनी देर से तमाशा कर रहा लड़की बन के। नाज़रीन मेरे साथ आज प्रैंक हो गया लाइव, और मेरी पूरी टीम मुलव्वस थी और इस लड़के के साथ मिलके ये प्रैंक लाइव गया है, और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगी और मैं इसका बदला भी लूंगी इनसे, मगर ऑफ द कैमरा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कैमरे के सामने ये सब कुछ किया है। उनको तो मैं पूछूंगी, ये बताओ वैसे प्रैंक अच्छा था? बुरा नहीं लगा। आपने उनका बदला तो मुझसे लिया ना। पता है कितना जूता मुझे जोर से लगा है, अभी तक मेरे पेन हो रहा है, इधर भी कमर में और इधर बाजू में भी। नहीं तो मैं तुम्हें लड़की समझ के कितना प्यार, कितना लिहाज, तुम्हारा ख्याल, और तुमने आगे से। लेकिन उसके बगैर मैं आपको मिल भी तो नहीं ना सकती थी। अच्छा। यही तो तरीका था एक मिलने का। ए मरे अब तो सही बोलो। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रैंक करती हो मोस्टली लोगों के साथ, फिर वो मतलब करते हो, तो फिर ये कितना कोई कमा लेते हो, कितने पैसे आ जाते हो, तुम कितनों को बेवकूफ बना चुके हो इस चैलेंज से, क्या करते हो? कमाना तो नहीं होता यहाँ पे, यही है कि अगर कोई बंदा कॉल कर रहा होता है तो अगर उनसे कोई बातचीत होती है, ठीक है, तो एक्चुअली हर लड़की में एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड ना दिखाएंगे तो पैसा कौन सेंड करेगा, ठीक है? बात ना करेंगे तो फिर ही पैसा आएगा। हम लड़की डिफरेंट तरीके होते हैं, आप अपने ड्रिप लगा के स्टेटस लगा सकती हैं कि यार मैं बीमार हूँ, उनको समझ आ जाती है कि यार नीड है, पैसे क्या हो सकता है, फिर अगला बंदा अमाउंट बड़ी सेंड करेगा। ऐसे तो इजी, अगर इजी लोड ही करवाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 500 का कर देगा, तो कैश मंगवाओ ना कैश। अभी तक और क्या तरीके, ड्रिप लगा के स्टेटस लगा दो और तरीके, ईद तो लोगों से पैसे इस तरह ठग लेते हो? बड़ी ईद आती है, छोटी ईद आती है, क्योंकि उसमें भी आपको पता है लड़कियों ने ज्वेलरीज लेनी होती है, कॉस्मेटिक का जो सामान लेना होता है वो कहाँ से लेना है, तो वही थी कि कैश, पता है लड़की मैंने तो पहनना नहीं है, तो वो कैश बटन कैश। और एक मेरा दोस्त था, उसका आगे से दोस्त था, वो उसको रोज़ तरले करता था कि यार किसी लड़की का नंबर दो, किसी, मैं तो सर्दियों से, कई सदियों से मतलब सिंगल हूँ, मेरे पास किसी लड़की का नंबर नहीं है। तो उसने थक हार के ना, तो उसने कहा यार नाज़िम तेरी मेहरबानी, उसने भी उसको नंबर 2000 का दिया, 2000 का उस बंदे को, उस वो दोस्त का। पहले उसको ठगा, ठगा उसको, ठगा, कहता यार मुझसे पैसे ले लो तो मुझे ना किसी लड़की का नंबर दे दो, तो वो मुझे, फिर वो मेरा दोस्त था, उसने कहा था यार आपकी मेहरबानी, लड़की की तरह इसकी तरह बातचीत कर लिया कर, पैसा तुम्हें बहुत खिलाएगा। मैं कहा नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं, ऑलरेडी शूट वगैरह करता हूँ। कहता नहीं यार आपकी मेहरबानी, मेरी खातर कर ले। तो सबसे पहले उसकी कॉल आई, तो मैंने हेलो अस्सलाम वालेकुम उनके, मैं बातचीत की ना थोड़ी बहुत ही, ठीक है, तो आपका ना ऐसे ऐसे मुझे नंबर दिया, वो कह रहे बड़ी वो क्या आवाज़ है आपकी, सबसे पहले तो ठीक है बड़ी क्यूट आवाज़ है, तो आपका मुझे नंबर ऐसे ऐसे दिया दोस्त ने, तो आपसे बातचीत। मैंने कहा सॉरी मैं इतना, मेरा स्टैंडर्ड लो नहीं है कि मैं आपसे बात करूँ, तो कहता सॉरी मैं समझ, पिंड था दे लोग होते ना, फिर ऐसी बात करते करते उनका टाइम पास करते करते पास करते अच्छा गेड़ा लगा लेते हो, अच्छा ढक लेते हो, मतलब अच्छी खासी महीने की इनकम हो जाती तुम्हारी, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अपने थोड़े खर्चे ऐसे थोड़ी है, महंगे महंगे मोबाइल रखे हुए तुमने है,
या कोई मोबाइल भी लेके देता है? मोबाइल, अब जो बाहर के ममालिक के लोग हैं, यूके, अमेरिका, वो भी बातचीत करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली मोबाइल के अलावा क्या लेके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी दिहाड़ी क्या लगती है जो इस तरह की अभी तक कोई ऐसी लगी तो होगी? सबसे बड़ी दिहाड़ी कौन सी लगी होगी, किस बात के लिए, क्या गेड़ा लगा? मुझे बहुत बैलेंस शेयर किया था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो कहता है, बस मुझे कहता था कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो। मैंने कहा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल क्या, मैं अभी तुम्हें ब्लॉग कर रही हूँ। कहता तुम मैंने गल कर लिया कर थोड़ी जी, तो बट मेरा मैंने ब्लॉक ना करें, तो बट फिर क्या करें, फिर बातचीत थोड़ी बहुत। मेरी आवाज में, मेरी आवाज में क्यूटनेस, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी है कि अगला बंदा टोटली इंप्रेस हो जाता है। तुम वैसे लोगों को मशवरा दे दो पैसा कमाने का, जो घर बैठी है वहाँ में ना, वैसे सुस्त का हिल मरी पड़ी है, वैसे भी मरी पड़ी है वो औरत के नाम पर, और मर जाएगी तो फिर वही अच्छी खासी जगह। पैसे कितने को तुमने कमा लिए, सबसे बड़ी दिहाड़ी कौन सी लगाई थी, अमाउंट पे भी बताओ या चीज में बताओ। वो घर शर भी मिल गया क्या तुम्हें दिहाड़ी पे? मेरा जो गाड़ी शाड़ी बाइक, मेरा एक अंकल है, उसका आगे से दोस्त है, वो मेरा जो अंकल है ना वो होता है लंदन, ठीक है, तो उसका आगे से दोस्त है, उसने प्रैंक करवाया था मेरे साथ, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं पता था, यकीन करें, कि उससे मैंने एक मोबाइल लिया था। ये ऐसा होता है कि मैं कभी किसी से रैंडमली, कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, होता है अगर थोड़ा सा रेफरेंस होता है तो लिंक्स होते हैं, तो उसके जरिए मामले प्रैंक कर लिया, फिर बाद में मैंने उनसे बीच में ये जो दोस्त वगैरह तुमसे ये भी कमीशन मांगते हैं, एजेंट बन जाते हैं, हमने बंदा दिया था तो ये हमें हिस्सा दो। कमीशन तो ऑलरेडी उनसे उन्होंने खा ही लिए ना, अगर जिन्होंने मुझे नंबर दिया पहले उनसे खा लिया, तुम ये कहते हो वो खत्म खा ली, खत्म वो खत्म। अच्छा। देखो वो मेरा दोस्त था, उस दोस्त ने अपने दोस्त को 2000 का मेरा नंबर दिया था कि ये लड़की का नंबर है, मैं आपको 2000 का प्रोवाइड करूंगा, तुम उससे ज्यादा उससे पैसा खा चुके होगे। अम्मी नहीं तुम्हें जूती लगाती है, बकवास करते हैं एक बहुत सारी। अच्छा गुस्सा करती है अम्मी बहुत? जो लड़कियों वाले जो गिफ्ट मिलते हैं वो अम्मी को दे देते हो, बहनों को दे देते हो? गिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं मिलते, कैश। अभी क्या करते हो आजकल? मैम आजकल मैं प्रैंक शूट ही करता हूँ, और अब तो हर किसी को पता है मेरा कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ टिकटॉक पे। फिर पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम आरजे नाजिम ऑफिशियल के नाम से, मेरे टिकटॉक भी इसी नाम से अकाउंट है, ऑलरेडी जितने मेरे प्लेटफॉर्म है वो सारे इसी नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दुनिया में हर कोने में मेरा नाम है, मुझे लोग जानते हैं। देखिए जी, बहुत प्यारा बच्चा है, आज मुझे यहाँ पे प्रैंक कर गया, तो टैलेंट में आपको तो ये समझा सकती हूँ कि टैलेंट है तो मुझ जैसी लड़की को प्रैंक कर गया, वरना मैं तो सामने वाले को फौरन पहचान लेती हूँ। तो आप इनका अकाउंट लाइक कीजिए, एक एंटरटेनमेंट कंटेंट है और मज़े का कंटेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको देखा जा रहा है, इनके टिकटॉक को फॉलो कीजिए ताकि इन्जॉय कीजिए इस तरह के कंटेंट को, और मज़े मज़े के प्रैंक है तो आपको इन्जॉय करने में मतलब अच्छा लुत्फानंदोज़ होंगे आप। तो थैंक यू सो मच बेटा, और बहुत सारी मेरी बेस्ट विशेज़ है तुम्हारे लिए कि आगे तुम कुछ बहुत अपना नाम कमाओ, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स में एक्टिंग भी करो, ठीक है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा फैमिली कंटेंट है, फैमिली में लोग मुझे देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद करते हैं, लेकिन वल्गैरिटी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम है लोगों को फेस पे स्माइल लेके। तुम और लड़की बनते हो? जी जी, लड़की के गेटअप में कर लिया, वैसे किसी बैठे किसी रेस्टोरेंट में किसी लड़की की आंखों पे हाथ रख के उसके साथ प्रैंक कर लिया, तो चलो अब ये जो है, अगर आपने किसी देखें ये जो काम प्रैंक करते हैं इसको एज इट इज प्रैंक ही लीजिएगा, इसको सीरियस ना लीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए।